जा रहे हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, एमीन इन्वर्जन, यानी कि नाइट्रोजन की वजह से बेसिक स्ट्रेंथ आती है और इन्वर्जन की वजह से उसकी बेसिक स्ट्रेंथ पे क्या फर्क पड़ता है वो हमें देखना है। तो हेडिंग डाल लीजिए एमाइन या एमीन इन्वर्जन, इन्वर्जन। तो इसको कैसे आपको पढ़ना है एमाइन इन्वर्जन, सबसे पहले तो नाइट्रोजन को समझे आप, एमीन है क्या, ये आपके पास नाइट्रोजन है और यहाँ वो आपके पास अलग अलग ग्रुप है, कोई भी हो सकता है, आर एच या कोई भी इस तरह का आर वन आर टू आर थ्री, और यहाँ पर क्या है आपके पास एक लोन पेयर है, सही है ना। मान लीजिए यहाँ पर एच है, कहीं पे भी आर वन आर टू और यहाँ पर क्या है एच है, सही है। ये एच की वजह से ये एच ऊपर जाएगा, लोन पेयर यहाँ आएगा, तो पूरी इन्वर्जन हो जाएगी। और पता है ये किस तरह का दिखेगा हमारे पास, एन लोन पेयर इधर आ गया और आपके पास एक और इस तरह से आपको दिखाई देगा, यानी आर वन आर टू एच, ये इन्वर्जन हो गया। समझ में आ रहा है मूवमेंट क्या हुआ है, एक तरह से इन दोनों का आपस में कन्वर्जन हो गया। ये वाला बॉन्ड जो सिग्मा था ये तो चेंज हो गया इसके साथ और यहाँ लोन पेयर क्रिएट हो गया, यानी ये दो दो इलेक्ट्रॉन थे बॉन्डिंग वो अब लोन पेयर में कन्वर्ट हो गए और ये वाला इसके साथ अटैच हो गया, ये लोन पेयर सिग्मा बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, लोन पेयर कन्वर्ट इन सिग्मा बॉन्ड कन्वर्ट इन लोन पेयर, लिख लीजिए लोन पेयर कन्वर्ट इन सिग्मा बॉन्ड एंड सिग्मा बॉन्ड कन्वर्ट इन लोन पेयर। इससे क्या फायदा हुआ है क्या नुकसान हुआ है, कन्वर्जन से कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी बढ़ी हुई बढ़ गई, लेकिन एक नुकसान भी हुआ है, पता है क्या है नुकसान, वो नुकसान ये हुआ है कि जब आपका लोन पेयर आपस में कन्वर्ट हो रहा है तो किसी को भी लोन पेयर मिलना इतना आसान नहीं होगा। तो इससे इफेक्ट क्या पड़ा है इस पॉइंट से, यानी ये तो हुआ है हमारा एक्शन और इसकी रिएक्शन क्या हुई है, ड्यू टू अबाउ कन्वर्जन, ड्यू टू अबाउ कन्वर्जन, अबाउ इन्वर्जन, स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीजेस बट अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर डिक्रीजेस, लिखते जाएं अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर यानी बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीजेस। ये हमारे पास एक्शन हुआ और उसका रिएक्शन हमारे को यहां देखने को मिला, ये है एमीन इन्वर्जन, सही है। तो एमीन इन्वर्जन में मैकेनिज्म किस तरह की हुई है वो हम समझते हैं। तो मैकेनिज्म हमारे पास ये था, मान लीजिए यहां हमारे पास एन है नाइट्रोजन है, ये हमारे पास लोन पेयर है, यहां आर वन है, यहां आर टू है और यहां मैंने कोई एच ग्रुप लगा रखा है, ठीक है पक्का। तो ये बीच में लोन पेयर किस में कन्वर्ट होगा, लोन पेयर अभी हाइब्रिड ऑर्बिटल में, लोन पेयर किस में कन्वर्ट होगा एटॉमिक ऑर्बिटल में। तो जब ये एटॉमिक ऑर्बिटल में होगा तो एन इस तरह से ये लोन पेयर अब किस में कन्वर्ट हो गया एटॉमिक ऑर्बिटल में, तो यहां आर वन आर टू और ये एक क्या रह जाएगा एच, प्लेनर आ गया। अब ये किसी के भी साथ किसी भी डायरेक्शन में चेंज हो सकता है, ये एच इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, ये इधर भी हो सकता है, क्यों, क्योंकि ऑल थ्री स्ट्रक्चर्स आर आइडेंटिकल रिगार्डिंग दिस, हाँ या ना। अगर ये तीनों रिगार्ड उसके रिगार्ड में क्या है आइडेंटिकल है तो फिर आपको उसका क्या बेनिफिट होगा, क्या होगा देखिए, यानी आइडेंटिकल है, अब ये वहां चला जाएगा तो हमारे पास बीच में sp2 हाइब्रिडाइज है, अब इसके बाद क्या हो जाएगा नेक्स्ट r, ऑब्वियसली ये एक आर वन आर टू और ये एच और फिर यहां पर वापिस ये हाइब्रिड में चेंज हो गया। तो बताइए यहां क्या हुआ है, हाइब्रिड कन्वर्ट इन एटॉमिक ऑर्बिटल और यहां क्या चेंज हुआ है एटॉमिक ऑर्बिटल
एटॉमिक ऑर्बिटल कन्वर्ट इन हाइब्रिड, ये आपके पास चेंजेस रहा है, इसको हम इन्वर्जन बोल सकते हैं या फिर क्या बोलते हैं, फ्लिपिंग, नहीं ओवरऑल इन्वर्जन और फ्लिपिंग, और फ्लिपिंग। तो हम यही है एमाइन इन्वर्जन और फ्लिपिंग, तो ये हमारे पास समझ में आ गया है। एक बार और मैं बताता हूं, ये मान लीजिए ए स्ट्रक्चर है, ये बी स्ट्रक्चर है, फाइनली तो यहां लोन पेयर किस में, हाइब्रिड में। क्या हाइब्रिड ऑर्बिटल मूवमेंट कर पाते हैं, नहीं। एटॉमिक ऑर्बिटल कर पाते हैं, हाँ। तो पहले तो हाइब्रिड ऑर्बिटल किस में कन्वर्ट हुआ, एटॉमिक ऑर्बिटल में। एटॉमिक ऑर्बिटल कैसा होता है, दोनों तरफ बराबर होता है, जबकि हाइब्रिड ऑर्बिटल एक तरफ ही होता है, दूसरी तरफ उसका लूप बहुत छोटा होता है। तो ये एटॉमिक में चेंज हुआ, वापिस हाइब्रिड में चेंज हो गया। ये दोनों, ये आइडेंटिकल मैंने नहीं बोला है, मैंने कहा है हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो गया था, आइडेंटिकल कहा है, आइडेंटिकल मैंने इसमें बोला था, इस तीनों की पोजीशन नाइट्रोजन के रेस्पेक्ट में क्या है, आइडेंटिकल है, सही है ना, प्लेन में। हाँ कहीं पे भी, वो तो कहीं पे भी लिख सकते हो, आप चाहो तो एच को इधर लिख सकते हो और आर टू को उस तरफ लिख सकते हो, मैंने ये बोला था, तो लिख लिया आपने। तो अगर आप ए और बी स्ट्रक्चर के लिखेंगे तो आप लिख सकते हैं ए एंड बी एक दूसरे की क्या है, मिरर इमेज है। तो लिखिए इसके बाद एक और रिजल्ट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट में, ए एंड बी आर मिरर इमेज टू ईच अदर, मिरर इमेज है तो एक दूसरे के क्या है ये एनाइशोमर्स, सो ए एंड बी आर एनाइशोमर्स टू ईच अदर, लिखते जाओ ए एंड बी आर मिरर, मिरर इमेज टू ईच अदर, एंड सेकेंड पॉइंट, एंड सो दैट दे आर एनाइशोमर्स, एनाइशोमर्स एक दूसरे के एनाइशोमर्स है, पक्का। एक और पॉइंट आपके पास आ रहा है यहां पर, आप केवल एक तरह की एमीन नहीं रख सकते, इनमें क्या होगा, सेकेंड, यानी ये तो फर्स्ट पॉइंट था, सेकेंड पॉइंट क्या होगा, ये रहा सेकेंड पॉइंट आपका, ये बनेगा ए एंड बी हैविंग ए डायनामिक इक्विलिब्रियम, हैविंग ए डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो क्या ये ए और बी एक दूसरे की डायनामिक इक्विलिब्रियम है, यानी एक केवल ए और केवल बी आप नहीं ला सकते, ए बी को एक साथ ही रखोगे, तो ए एंड बी आर डायनामिक इक्विलिब्रियम, हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ए बी एक दूसरे के साथ डायनामिक इक्विलिब्रियम है, तो इससे क्या पता चल रहा है कि केवल ए और केवल बी नहीं रख सकते, डायनामिक इक्विलिब्रियम एंड इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट की वैल्यू क्या होगी, 1, यानी दोनों बराबर होंगे, 50% ये होगा और 50% ये होगा। तो जब इस तरह का होता है तो डायनामिक इक्विलिब्रियम है और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1 है, यानी कि नेट जो मिक्सचर है इज ऑप्टिकली एक्टिव और इनएक्टिव, इनएक्टिव। तो जब भी आपको ये कंपाउंड दिया जाए, आप अपने आप समझ लीजिएगा, ये और हमेशा ये दोनों फॉर्म में रहेगा, जब एक ही कंपाउंड दो फॉर्म में रहेगा तो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, समझ में आ रहा है अच्छे से, तो ये ऑप्टिकली क्या रहेगा, इनएक्टिव, यस और नो, इज दैट क्लियर। और इनएक्टिव है, ऑप्टिकली इनएक्टिव, सो एमीन्स आर, जो भी एमीन्स है आर नॉन रिजॉल्विंग कंपाउंड है, नॉन रिजॉल्वेबल कंपाउंड, मैंने आपको पहले ही बताया था रिजॉल्वेबल कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, आपको याद आना चाहिए पॉइंट, रिजॉल्वेबल कंपाउंड्स, रिजॉल्वेबल कंपाउंड्स, आर ऑप्टिकली एक्टिव। ये आपको पहले से ही हमने पढ़ा रखा है।
समझ में आ रहा है क्या? क्या जोर से बोलो। बाप रे, दुनिया के सबसे बड़े इंसान। 50-50 है तो इसका मतलब रिजॉल्वेबल कंपाउंड्स हम उनको बोलते हैं जो सिंगल हो और ऑप्टिकल एक्टिव हो। समझ में आ रहा है? इसको आप सिंगल ले ही नहीं सकते। ले सकते हो क्या? सिंगल बनाओ, अलग भी करोगे तो ये अपने आप ही क्या कर लेगा, 50-50। और नेट रोटेशन कितना होगा इसका? जीरो। तो हमेशा रिजॉल्वेबल कंपाउंड सिंगल होते हैं, उनका किसी भी के साथ डायनेमिक इक्विलिब्रियम नहीं होता, और दूसरा वो ऑप्टिकल एक्टिव होते हैं। समझ में आ गया? यानी डायनेमिक इक्विलिब्रियम नहीं रख सकते वो किसी के भी साथ, वो सिंगल रहते हैं, जबकि ये कभी सिंगल रहेंगे ही नहीं। अगर आप बोतल में ये भरोगे तो अपने आप ही थोड़ी देर में 50% ये हो जाएगा, और बहुत फास्ट होगा ये। तो ये हमारे पास बहुत अच्छा पॉइंट हो गया। नेक्स्ट, एक और एग्जांपल हमारे पास आ रहा है। जब हम इस तरह की एमीन इन्वर्जन को करते हैं तो हमारे पास sp3, sp2, sp3 और ये sp3, ये एनर्जी कर्व हो गया हमारे लिए, या डेल्टा जी कर्व हम बात कर सकते हैं। यह सुनो, लेकिन यहां हमारे पास एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है, और वो ये है बाई साइक्लो कंपाउंड। बाई साइक्लिक एमीन्स कैन नॉट शो एमाइन इन्वर्जन। Because that is rigid molecule. That is rigid molecule. यानी अगर हम बात करें, इस तरह का कोई एग्जाम्पल में ले रहा हूं तो ये यही रहेगा, इन्वर्जन नहीं शो करेगा। यानी कि जो भी फ्लिपिंग आप कर रहे हो, सही है, फ्लिपिंग और इन्वर्जन आप काट दो। ब्रिज हेड कार्बन पे वैसे भी ये रिजिड है, और ब्रिज पे आप जानते हो sp2 हाइब्रिडाइजेशन क्रिएट होगा ही नहीं। तो क्या बाईसाइक्लो, आप एक सेकंड के लिए सोचो, क्या बाईसाइक्लो फ्लिपिंग देंगे या नहीं देंगे? नहीं देंगे, नहीं देंगे। ये उनके लिए अच्छी बात है। किनके लिए? जब वो लोन पेयर किसी और को देंगे तो उनकी बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी? ज्यादा होगी। तो ये हमारे पास पॉइंट आ गया कि बाई साइक्लो कंपाउंड फ्लिपिंग नहीं देंगे तो इससे उनकी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी एज कंपेयर टू नॉर्मल कंपाउंड। तो लिख लीजिए नेक्स्ट रिजल्ट क्या बनेगा इसका, इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी बाकी है। ड्यू टू दिस देयर बेसिक स्ट्रेंथ इज मोर देन एक्सपेक्टेड वैल्यू। यस, क्रिएट है, बिल्कुल लिख लिया आपने, लिखें जल्दी से इसको। देखिए, हमने एमाइन इन्वर्जन तो कर ही लिया, और साइक्लिक और बाई साइक्लो में देख लिया। बाई साइक्लो में तो फर्स्ट इफेक्ट था, क्यों? क्योंकि आपको तीनों तरफ से लॉक कर रखा है, तो अब आपका एमाइन इन्वर्जन 0%, यानी हो ही नहीं रहा है। लेकिन यहाँ पर 0% नहीं है, एक ज़्यादा एक कम। तो हम एमाइन इन्वर्जन जब साइक्लिक में देखेंगे, बाई साइक्लिक नहीं, साइक्लिक में देखेंगे, तो इस बात पर डिपेंड करेगा हमारा एमाइन इन्वर्जन की नाइट्रोजन पे लोन पेयर के साथ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितनी बढ़ रही है। तो प्लस आई इफेक्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा और माइनस आई इफेक्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर देगा। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी उतना ही इन्वर्जन आसानी से होगा। तो इन दोनों में सीएल कौन सा इफेक्ट दे रहा है? माइनस आई। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करेगा तो इन्वर्जन कम हो जाएगा। इन सब में सीएल बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगा तो ये हो सकता है हमारे पास। तीसरा, इनके अंदर प्लस आई इफेक्ट इसका ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी उतना ही ये लोन पेयर पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी और रोटेट होने की टेंडेंसी क्या होगी? ज्यादा होगी। तो हमारे लिए की पॉइंट क्या है, जल्दी से लिखिए। फर्स्ट जो हमारे पास हो रहा है कि कहीं ना कहीं एमाइन इन्वर्जन या फ्लिपिंग जिसको बोल रहे हो, एमाइन इन्वर्जन प्रपोर्शनल किसका होगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्लस आई के प्रपोर्शनल होती है और माइनस आई के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है।
पहले चीज क्लियर है। दूसरा, हमसे ये अलग तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बताइए कि इन दोनों में इन्वर्जन किसका ज्यादा होगा, फिर एक साथ लिख लेना। हमने बोला इसका, तो इसके लिए इसका ज्यादा होगा, इसका कम होगा, इसका मतलब इसके लिए इन्वर्जन के लिए जो एनर्जी थी वो बहुत ज्यादा होगी। तो कहीं ना कहीं हम ये बोल सकते हैं कि रिक्वायर्ड एनर्जी फॉर इन्वर्जन इन्वर्जन ऑफ एमीन इन्वर्जन ऑफ एमीन मेरे साथ ही लिख लीजिए इज प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन माइनस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, वन अपॉन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितनी कम होगी रिक्वायर्ड एनर्जी फॉर इन्वर्जन उतनी ही ज्यादा होगी, और जितनी ज्यादा होगी उतना ही आसानी से इन्वर्जन नहीं होगा। सही है, तो आप ये बताइए एक बार और कंपेयर करते हैं, इसके लिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ नाइट्रोजन लेस, तो रिक्वायर्ड एनर्जी हाई, इन्वर्जन लेस, ये पूरा इफेक्ट एक साथ चलेगा हमारा। तो आपको ये दोनों पॉइंट दिमाग में अंदर तक बिठा के चलना है। सही है, जिसमें एनर्जी ज्यादा होगी वो वैसे ही इन्वर्जन कम देगा। लिखें इसको,